Hello and welcome class 7 to your geography class. So students, as we are discussing chapter 3, that is a changing earth. So students, in the previous lecture we have read about the work of river, how it makes different landforms on earth's surface, that is waterfall, oxbow lakes, floodplains. Okay, we have discussed it so far. Now today in this lecture we are going to discuss about the work of ice. So how ice make different landforms? Today in this lecture we are discussing about that. So let's get started. Work of ice. How can ice create a landform? This is a question ki landform kaise banati hai ice. To आइस लैंडफॉर्म्स बनाएगी, लेकिन किस तरह से बनाएगी? जो ग्लेशियर्स होते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस. ठीक है, बर्फ़ की जो हैं वो रिवर्स होती हैं, जो स्लोली स्लोली क्या करती हैं, मूव करते रहती हैं. ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर्स बोला जाता है. सो दीज ग्लेशियर्स मूव एंड इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स इन इट्स वे एंड बेट. ओके, तो ये क्या करते हैं, जैसे जैसे ये मूव करते हैं, तो जहाँ जहाँ से ये मूव करती हैं ग्लेशियर्स, ठीक है, ये रिवर्स जो हैं मूव करती रहती हैं, वहाँ से ये सॉइल स्टोन्स जो हैं वो क्या करती रहती हैं? इरोड करती रहती हैं. ठीक है, इरोड मतलब अपने साथ वो बहा कर जो है उस सॉइल को और स्टोन्स को साथ में ले जाएंगी. ठीक है, अपने रास्ते से जहाँ जहाँ से वो जाएंगी. ग्लेशियर्स क्रिएट ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेंस. तो ग्लेशियर्स जो हैं बहुत ही ब्यूटिफुल लेक्स जो हैं बनाते हैं, कहाँ पर? माउंटेंस पे. लेकिन कैसे? तो ये क्या करते हैं, क्रिएट डीप हॉलोस गॉट फिल विद वाटर एज द आइस मेल्ट एंड हेंस क्रिएट लेक्स. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे ग्लेशियर्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स मूव करेंगे तो वो माउंटेन से जो हैं मूव करते जाते हैं, और जैसे जैसे वो मूव करते हैं तो वो एक गड्ढे से बनाते जाते हैं. ठीक है, डीप हॉलो जो हैं गड्ढे जो हैं बनाते जाएंगे, जहाँ से वो गुजरेंगे तो समझ लो वहाँ की स्टोन, वहाँ की सॉयल जो हो अपने साथ ले गए. ठीक है, लेकिन बदले में वहाँ पर क्या क्या छोड़ दिया? वहाँ पर तो गड्ढा हो गया ना. ठीक है, क्योंकि वहाँ की सॉयल, वहाँ की जो रॉक था जिससे वो लैंड जो है फिल्ड थी, वो उन्होंने अपने साथ बहा कर ले लिया. तो वहाँ पर क्या कर दिया? वहाँ पर एक जो है गड्ढा बना दिया. तो फर्दर जो है उसमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है. ठीक है, वो जब पानी जो है, जब आइस जो है मेल्ट हो जाएगी, तो पानी जो है आकर वहाँ पर भर जाएगा उन गड्ढों पर, और उन्हीं गड्ढों से वो क्या बन जाएंगे? ग्लेशियर लेक्स बन जाती हैं. ठीक है, ग्लेशियर क्रिएट्स ग्लेशियर मोरेन्स. अब ग्लेशियर जो हैं, एक तो ग्लेशियर लेक्स बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या बनाते हैं? ग्लेशियर मोरेन्स बनाते. दीज आर ग्लेशियर लेक्स. ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ यहाँ से जब बर्फ़ जो है वो मूव कर रही थी स्लोली स्लोली, तो यहाँ के एरिया से क्या कर लिया, ये यहाँ पर गड्ढे हो गए, यहाँ से सॉयल और यहाँ से जो पत्थर थे वो लेकर चले गया. लेकिन यहाँ पर जब बर्फ़ धीरे धीरे क्या होगी, पिघलेगी, तो वो आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी भर जाएगा उन गड्ढों से, और यहाँ पर वो क्या बन जाएंगी? ग्लेशियर लेक्स बन जाएंगी. ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर अबाउट ग्लेशियर मोरेन्स. ठीक है, तो अब ग्लेशियर मोरेन्स कैसे बनते हैं? In their way, glaciers carry the material such as rocks, sand and silt. अब देखिए, जब ग्लेशियर थोड़े थोड़े मूव करते हैं, मतलब ग्लेशियर्स का मतलब ही रिवर्स ऑफ आइस है. ठीक है, तो रिवर्स ऑफ आइस हैं तो वो धीरे धीरे मूव करती हैं. ठीक है, तो जैसे अपने अपने रास्ते में वो मूव कर रही हैं ग्लेशियर्स, तो क्या होता है कि वो अपने साथ जो हैं, आपको पता है, जो रॉक्स सिल्ट जो है अपने साथ साथ बहा कर ले आते हैं. ठीक है, तो अब जो है वो बहा कर कहीं लेकर भी जाएंगे ना, कहीं पे उनको छोड़ेंगे, डिपॉजिट भी करेंगे, अगर इरोड कर रहे हैं तो डिपोजिशन भी करेंगे. ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, जब धीरे धीरे अपने साथ सामान उठा के ले आते हैं तो थक जाते हैं एक रास्ते में आके. ठीक है, तो वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, वो जो अपने साथ उन्होंने लाया है वो वहाँ पर क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं.
ठीक है, एक जगह पर उन्होंने वो डिपॉजिट कर दिया और उन्हीं जगहों पर क्या बन जाते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स बन जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दीज आर ग्लेशियर मोरेन्स। अब देखो रिवर जो है, ये ग्लेशियर जो है ये बह रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दिखते नहीं है, बहुत स्लोली मूव करती है, आइस मूव करती है लेकिन बहुत स्लोली मूव करती है, ठीक है, लेकिन अपने साथ साथ ये ग्लेशियर जो है, जो पत्थर, ठीक है, ये सिल्ट सॉयल जो भी साथ में लेकर आए थे, ये जो है किनारों पे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट कर दी, इस तरह से डिपॉजिट करते गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये जो बीच में है तो ये मीडियल मोरेन हो गया, जो साइड पे है दिस इज लेटरल मोरेन, एंड जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइड है दिस इज टर्मिनल मोरेन, ठीक है। तो इस तरह से ग्लेशियर मोरेन्स जो हैं बनाती हैं हमारे ग्लेशियर्स, ठीक है, क्लियर है ये। अब आपको ये पता चल गया कि आइस जो है टू लैंडफॉर्म्स बनाती है, जो आपके बुक्स में दिए हैं, दैट इज ग्लेशियर लेक्स एंड ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है। ग्लेशियर लेक्स जो हैं इरोजन से बनते हैं, जब इरोड होगी वो जगह, ठीक है, और डिपोजिशन से क्या बन जाएंगे, ग्लेशियर मोरेन्स बन जाएंगे। अपने अपने पूरे चैप्टर में वर्क ऑफ रिवर भी पढ़ा, किस तरह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, फिर आपने वर्क ऑफ आइस पढ़ा, किस तरह से लैंडफॉर्म क्रिएट करता है। अब हमारी विंड जो है ये भी जो है बहुत सारे क्या करती है, लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, ठीक है, जिनमें से कुछ जो हैं आपके सिलेबस में हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। विंड एक्ट्स एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन स्पेशली इन डेजर्ट, ओके। आप कभी डेजर्ट गए होगे तो आपको पता होगा डेजर्ट में देयर इज़ फुल ऑफ सैंड, बहुत ज़्यादा सैंड होती है वहाँ पर, ठीक है। तो विंड जो है वो एक एजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनके सबसे बड़े एजेंट्स जो हैं हमारे वाटर, विंड और आइस होते हैं, ठीक है। वाटर जो है मेन एजेंट है जिसके थ्रू जो है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आइस जो है वो भी एक एजेंट है जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विंड, क्योंकि विंड भी एक ऐसा एजेंट है, एक्सोजेनिक फोर्सेस का एजेंट है जो क्या करता है, लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो विंड जो है वो एक एक्टिव एजेंट है जो क्या करती है, इरोजन करती है, जैसे कि आपको बताया था एजेंट्स जो हैं इरोजन और डिपोजिशन करते हैं, और इरोजन और डिपोजिशन से ही जो हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो अब विंड जो है मेन काम कहाँ पे करती है, अपना डेजर्ट्स में करती है, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट्स में उनको रेत मिलेगी, ठीक है, विंड को रेत मिलती है, रेत से ही बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेत में सबसे पहले सैंड ड्यून्स जो हैं क्रिएट होते हैं। तो सैंड ड्यून्स कैसे क्रिएट होते हैं, व्हेन द विंड ब्लोस इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो बहुत ज़्यादा तेज़ जब हवा चलेगी, बहुत तेज़ हवा, तो तेज़ हवा क्या करेगी, रेत को एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट करेगी, ठीक है। एक जगह से उसको उठाया, उसने ज़ोरों से उठाकर ले गए जब बहुत तेज़ हवा चल रही, लेकिन कभी जाकर वो स्टॉप भी होगी ना हवा, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो वहाँ पर जाके उसको डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो समझ लो उसने इरोजन किया, एक साइड से उठाई रेत और दूसरी जगह पर जाके उसको डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब वो क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर समय तो चलेगी नहीं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो वो अपने साथ जो है वो क्या करेगी, सैंड को क्या करेगी, उड़ाकर ले जाएगी, ठीक है। और जब विंड जो है स्टॉप हो जाती है, मतलब विंड चलना बंद हो जाती है, ठीक है, बहुत तेज़ उसकी जो है गति है वो कम हो जाती है, तो क्या होता है, वो सैंड जो है उसने उठाई है वो एक जगह पर वो क्या कर देगी, छोड़ देगी, उसको डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। और वो हमेशा क्या करेगी, लो हिल में डिपॉजिट करेगी, ठीक है, ऊंचाई से उड़ाती है और नीचे लोअर पार्ट में जाके वो क्या करती है, उसको डिपॉजिट करती है, ठीक है।
द स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ठीक है। और जो उससे उस डिपोजिशन से रेत की डिपोजिशन से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये आपको सामने दिखाए हैं मैंने, ये सैंड ड्यून्स हैं कि जो हैं बहुत ही ऊँचे ऊँची जगह से उसने क्या किया, रेत उड़ाई और उड़ा उड़ा कर लोअर हिल्स में यहाँ पर क्या कर दी, डिपॉजिट कर दी। इस तरह की लैंडफॉर्म्स जो हैं विंड बनाती है जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। दूसरा एक और स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, जब सैंड के ग्रेन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, हल्के हैं, बहुत ही ज़्यादा जो हैं बारीक हैं, ठीक है, तो उनका वेट ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ऐसे तो रेत का वेट होता है लेकिन उसमें जब जो हैं ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा फाइन हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले से हैं, छोटे छोटे से कण हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, ठीक है। तो अब हवा क्या करती है, वन कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब देखो जो भारी चीज़ होगी वो ज़्यादा देर तक हवा उठा नहीं पाएगी, ठीक है। भारी चीज़ तो उठाई नहीं जाती है हवा से ज़्यादा, वो थोड़ी सी जगह पे से उठाएगी और थोड़ी एक मीटर के डिस्टेंस पे वहाँ पे उसको छोड़ देगी, ठीक है। जैसे कि आप ही ले लो, आप कोई भारी चीज़ उठाओगे तो आप ज़्यादा देर तक उसको उठा नहीं सकते हो, थोड़ी देर उठाओगे और फिर वहाँ पे आप रख दोगे थोड़ी डिस्टेंस में। लेकिन जब हल्की चीज़ होगी आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस उसके साथ कवर कर सकते हो। वैसे ही हवा का भी है कि हवा जहाँ बहुत तेज़ है और वहाँ से वो चीज़ उठा रही है, तो जो भारी जो सैंड है वो एक जगह पे थोड़ी देर के बाद वो छोड़ देगी, उसको डिपॉजिट कर देगी। लेकिन अगर वो हल्की है, मटेरियल जो है उसमें हल्का लग गया उसको, उसका वेट नहीं है, तो वो चीज़ उठाकर उसने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, और वहाँ पर जाके उसने वो क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो उन्हीं डिपोजिशन को क्या बोलते हैं, लॉयस बोलते हैं, ओके। सो अनदर वर्क ऑफ विंड इज मेकिंग मशरूम रॉक्स। तो मशरूम रॉक्स जो है दूसरा एक स्ट्रक्चर है जो विंड के द्वारा बनता है, फॉर्म होता है। तो विंड जो है चलती है और अपने साथ सैंड पार्टिकल्स जो हैं ले आती है और अर्थ सरफेस पे उसको डिपॉजिट करते जाती है, ठीक है। ये तो मेन जो है काम है विंड का। तो अब ये विंड्स जो हैं जब चलती हैं तो क्या करती हैं, वहाँ के डेजर्ट्स में जो पत्थर हैं, ठीक है, उनकी लोअर सेक्शन पे अटैक करती है, मतलब नीचे वाले पार्ट को वो क्या करेगी, इरोड करेगी। बार 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 हवा जब इसको क्या हो रही है, आके टकरा रही है इन रॉक्स को, लेकिन कहाँ पे, नीचे वाले हिस्सों पे ही टकरा रही है, तो यहीं से इरोड होगी, ठीक है, यहीं से सैंड जो है और सैंड के पार्टिकल्स क्या होंगे, इरोड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सालों के बाद, बहुत सारे टाइम पीरियड के बाद जो है इस तरह से उसकी लोअर शेप जो है इस तरह से बन जाएगी और ऊपर की भी थोड़ा सा इरोड होता है, ठीक है। तो इस तरह की शेप के रॉक्स जो हैं वो डेजर्ट में हवा बना देती है, विंड बना देती है, ठीक है। तो अपर पार्ट उसका वैसा ही रहता है लेकिन इरोड होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, इतना नहीं होता जितना लोअर सेक्शन का होता है, ठीक है। तो अपर जो है वो इरोड कम होता है लेकिन नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इरोड होता है, ठीक है, हवा के कारण, विंड के एक्शन के कारण। तो उसकी वजह से एक मशरूम की शेप के रॉक्स बन जाते हैं। जैसे मशरूम आप घर में सब्जी खाते हैं, उसी मशरूम के, देखिए यहाँ पे पूरे मशरूम के शेप के रॉक्स जो हैं बने हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं रॉक्स को हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स, और ये किससे बनते हैं, विंड से ही बनते हैं। बहुत ज़्यादा विंड जब चलती है उसके एक्शन से ये सब होता है, ठीक है। सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। अब इस तरह के रॉक्स का जो बेस होगा, मतलब जो नीचे से बेस है वो क्या है, पतला है, ठीक है, नैरो, और यहाँ से चौड़ा है, बहुत ही वाइड है, ठीक है। इस तरह के रॉक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है। ये हैं आपके मशरूम रॉक्स एंड दिस इज लॉयस। सो स्टूडेंट्स, विद दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।